गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका दिल्ली व्लॉग शीतल में स्वागत है। आप सबको सुबह सुबह की राधे राधे। सो गाइस अभी बजे सुबह के 7 और इधर मैक्सिमम सूरज निकल ही चुका है, अभी आधा निकला है, पूरा निकल जाएगा। तो अभी सुबह सुबह मैं घर का वही काम ही कर रही थी जो भी होता है। अभी जस्ट मैं पानी भर रही थी पर मोटर चलाए तो बहुत ही गंदा पानी आ रहा था, इसलिए मैंने बंद कर दिया है ताकि कुछ देर बाद साफ आ जाए। वैसे 7 बज गए हैं और अभी मैं दोबारा से मोटर चलाऊंगी ताकि साफ पानी आए। कल साफ आया था पर आज पता नहीं क्यों गंदा आ रहा है, क्योंकि जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती है ना पानी गंदा या तो कभी आता ही नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो अभी देखते हैं, अभी ये गंदा आया था तो जस्ट मैंने बंद कर दिया है, 5 मिनट से ज़्यादा हो गए, तो अभी मैं फिर से चालू करूँगी और देखूँगी। सो गाइस आज के इस व्लॉग में मेरा डेली का जो रूटीन है वो मैं आपको दिखाऊँगी दोबारा से कि मैं घर में क्या क्या करती हूँ क्या क्या नहीं करती हूँ, वो सब कुछ मैं दिखाऊँगी। तो इस व्लॉग के साथ बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं। ये देखिए गाइस, जैसा कि मैंने आपको कहा था 7 बज गए हैं और मैंने चला दिया, तो देखिए साफ पानी आ रहा है, मगर उससे पहले गंदा आ रहा था। तो चलिए जल्दी से पानी भरते हैं। ये गाइस ये देखिए, पीने का पानी भरने के बाद मैं आ गई हूँ पानी गर्म करने। तो ये मैं चाय के लिए नहीं कर रही हूँ, ये मम्मी का पानी है, मम्मी डेली सुबह पीती है। इसमें मैं डालती हूँ अजवाइन सौंफ और साबुत धनिया जो होती है वो डालती हूँ। इससे फ़ायदा ये है कि इससे मोटापा नहीं होता है और पेट एकदम साफ रहता है, गैस नहीं बनती है, और भी बहुत सारे फायदे हैं। मम्मी को सुबह सुबह चाय पीना पसंद नहीं है, हाँ नहा धो के मम्मी चाय पीती है पर सुबह सुबह उठ के नहीं पीती है। सुबह सुबह उठ के तो भाई सौंफ अजवाइन का ही पानी पीती है। ये देखिए अब बस हमारे अच्छे से उबल जाएगा, फिर इसमें हम डाल देंगे नींबू और काला नमक। नींबू डाल के तो फिर वजन कम होगा ना। सो गाइस मम्मी आ चुकी है, दूध लेने गई थी वहीं से ही आई है, तो बहुत सारा सामान लेके आई है क्योंकि जैसे कि होली है, मंडे को हुई होली की मंडे हाँ संडे को होली का है, मतलब कि वही मंडे को है हमारी होली, तो गुजिया गुजिया बनाने के लिए मम्मी लेके आई है सारा सामान। सुबह सुबह दूध लेके आई सूजी, ये है सूजी, मैदा और ये है मैदा। ये 5-6 पैकेट मैदा क्यों? मट्ठी बनाऊंगी ना। अच्छा मट्ठी बनाएंगे, नमक पारे नहीं हाँ वो भी बनाऊंगी, तो आधा आधा किलो के नहीं हाँ आधा आधा किलो के, आधा आधा किलो के हैं तो 1 किलो कुछ का बना लूंगी, एक किलो की गुजिया बना दूंगी। आज बनाएंगे? आज नहीं कल बनाएंगे, कल बनाएंगे। कल संडे है ना? नहीं आज आज फ्राइडे, आज कल है सैटरडे, सैटरडे कल शनिवार हाँ तो कल बनाएंगे। और गुजिया की पूरा मैं बनाऊंगी, हाँ गुजिया का तो पूरा व्लॉग आएगा ही आएगा, तो देखना आपको जरूर देखिएगा। चलो भाई मम्मी का जो पानी है वो भी उबल चुका है, तो मम्मी के लिए लेके आती हूँ। हाँ मैंने कहा था कि सपने में ब्लैक पैंथर देखना मतलब कि अच्छा होता है, अब नहीं बोलती, अब नहीं निकल रही बोलती। देखी होगी बिलारी तब बताई थी, वो देखी क्या? मैं देखे होगी बिलारी तब बताई थी, पैथर देखी बिलारी देखी होगी, बिल्ली गांव की भाषा बिलारी बोलती है। हाँ तो काली बिल्ली भी देखना अच्छा होता है, काली बिल्ली देखना भूतों का होता है, भूत दिखते हैं उसमें, काली बिल्ली लोग देख के डर जाते हैं। हाँ, कोई माने ना माने, कोई माने हाँ। तो देखा गाइस सुबह सुबह हमारे घर ऐसी बातें होती है, बिगड़ बात के बिगड़ कोई बात बोलती नहीं मानेंगे।
गाइस हम लोग सुबह सुबह ऐसे ही नोक झोंक करते हैं, फिर नोक झोंक करने के बाद ऐसे खुद ही में हंस लेते हैं। सो गाइस ये देखिए, इधर खाना बनाने के लिए आटा तैयार है हमारा, और इधर हमारे इसमें पक रहा है चावल। हमने इसमें ज्यादा पकाने से ये समझा क्योंकि रोटी भी खाएंगे तो इतना चावल काफी है। और इधर बन रही है हमारी दाल एकदम गर्मा गर्म। दाल को छोंकने के लिए हमने लिया है प्याज, हरी मिर्च और ये हरी धनिया। तो चलिए दाल को छोंकते हैं। चावल बन चुका है, इधर हमारी दाल भी बन चुकी है। सो गाइस इधर मेरी पूजा हो गई है, तो चलिए अब चलते हैं जल्दी से रोटी बनाने। सो गाइस इधर पूजा करने के बाद मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए। तो इधर मैंने तवा रख दिया है चूल्हे पे, और रोटी बनाने के साथ साथ मैं कर रही थी मम्मी से बात। हम लोग जब भी खाना वाना बनाते हैं तो मैं मम्मी से बात करती रहती हूँ, तो जिससे खाना मेरा जल्दी बन जाता है। तो इधर मैंने चार रोटी बनाने के लिए आटा ले लिया था, और चार ही बनाऊंगी क्योंकि चावल भी रखा था, तो मम्मी ने कहा कि चार ही बना ले, चार काफ़ी है। तो एकदम आज गांव के स्टाइल में हम लोगों ने खाना बनाया था, क्योंकि गांव से आने के बाद गांव की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी, तो इसलिए मम्मी ने कहा कि गांव के स्टाइल में ही खाना बनाते हैं आज। तो मम्मी ने दाल सब्जी बना दी थी और चावल भी बनाए लिए थे क्योंकि तब मैं नहा रही थी। तो रही रोटी, चार रोटी बनाने की, तो वो मैंने बना लिए थे। तो ये देखिए इधर मैं कैसे बना रही हूँ। हे गाइस, सो उधर मैंने रोटी बना ली है और सलाद भी मैंने काट लिया है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। सलाद, रोटी, सब्जी और दाल, चावल, सब कुछ तैयार है हमारा, एकदम गांव के स्टाइल में बनाया है, जैसे गांव में सब कुछ बनता है। गांव में तो जब हम गांव में थे तब दाल, रोटी, चावल, सब्जी, सलाद ये सब कंपल्सरी था। लाइक मतलब कि दाल चावल बन रहे तो रोटी सब्जी तो बनेगी ऐसा था। और आज और दिल्ली में क्या है कि दिल्ली में हम लोग खाते तो सिर्फ एक चीज़ बनाते, या तो दाल चावल या तो रोटी सब्जी, पर गांव में तो भाई ये चारों चीज़ें मिलती थी। तो आज मम्मी ने भी कहा कि तो ये चारों चीज़ें खाते तो सब्जी, रोटी, दाल चावल, सलाद और साथ में सलाद, हाँ बस और इतना ही। तो चले चलते अब खा लेते खाना। वैसे आज हम बहुत ही जल्दी खाना खा रहे क्योंकि अभी बज रहे हैं 11, जस्ट अभी 11 बज रहे हैं। फिर इस खाना खाने के बाद हम लोग जाएंगे मंदिर में। लाइक मतलब कि वैसे सुबह सुबह जाने से उन्हें खाना वाना खा के जाएंगे, क्योंकि जो हमारे इधर के जो मंदिर हैं वहाँ के पंडित जी, तो उन्होंने हमें बुलाया था, बहुत पहले बुलाया था जब हम लोग गाँव नहीं गए थे, उससे पहले उन्होंने बुलाया था ताकि
वहाँ पे जाएं और वहाँ की वीडियो बना सके, मतलब वहाँ पे माता रानी जी को तैयार करते हैं ना, तो उनकी श्रृंगार की वीडियो बना सके। तो उन्होंने हमें बुलाया था पर हम लोग जा नहीं पाए थे, क्योंकि हमारा सडनली इतने अचानक से गांव जाने का प्लान बन गया था कि हम लोग जा ही नहीं पाए। इसलिए आज जाएंगे, क्योंकि ताकि पंडित जी कहें ना कि हमने बुलाया और ये आए नहीं, तो इसलिए चले जाते हैं। माता रानी जी का श्रृंगार देखने को भी मिलेगा और मतलब लाइक श्रृंगार देखने को मिलेगा, शायद अपने हाथों से भी सजाएंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट टाइम माता रानी जी का श्रृंगार होते हुए देखूंगी अपनी आंखों के सामने। तो चलो चलिए पहले खाना खा लेते हैं, फिर तो उसके बाद चलते हैं। सो गाइस, हम खाना खाने जा रहे हैं। आइए आप लोग भी खा लीजिए। ये यस सलाद, ये सब्जी हो गई, नींबू मिर्च सलाद हो गया, इधर शीतल का हो गया, इधर पानी हो गया। गाइस, इधर हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है और एकदम फ्री हो चुके हैं। अब हम जाएंगे मंदिर, पर इस व्लॉग में मैं आपको नहीं दिखाऊंगी पूरा। जो मेरा व्लॉग आएगा वो शाम को आएगा मेरे सेकंड चैनल पे, शीतल विद सपना व्लॉग्स चैनल पे आएगा मेरा, इसके आगे का वीडियो। तो आप वहां पे जाके जरूर देखिएगा। मम्मी अभी पता नहीं क्यों बच्चों पे प्रैंक करने जा रही है, तो ये प्रैंक भी आपको सेकंड वीडियो पे दिखेगा जो मेरे सेकंड चैनल पे आएगा। तो जल्दी से जाइएगा और इंतजार करिए। तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करती हूँ। बाय, टेक केयर।